मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने इस बार फैशन वीक के लिए मोनिका जी और करिश्मा जी के लाइन जेड के लिए वॉक किया एज अ शो स्टॉपर. इनके कलेक्शन का नाम अमात है. बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन जो एक आज़ादी की स्पिरिट, एक जो बंजारों की जो स्पिरिट होती है उसे कैप्चर करता है. एंड दे हैव डन अ रियली लवली जॉब. दे हैव मैनेज्ड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग एसेंस ऑफ ट्रैवल, ऑफ फ्रीडम, ऑफ फेमिनिटी इन देयर कलेक्शन. तो मे बी वो आपको थोड़ा और बताएंगे अपने कलेक्शन के बारे में. कलेक्शन का नाम अमात है. संस्कृत में उसे बाउंडलेस मीनिंग है. सो अमात में वी हैव ट्राइड टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर एट द सेम टाइम एम्ब्रॉयडरी इंडियन यूज़ किए हैं. कलर्स एंड फैब्रिक्स वी हैव यूज विच आर गुड फॉर समर. सो वी हैव यूज ऑर्गेनिक फैब्रिक्स, कॉटन्स, मल्स एंड प्योर सिल्क्स. यू नो, मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल नहीं, तो ऑब्वियसली रैम्प मुझे बहुत डर आता है. और जब इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ आपके आसपास होती हैं जो इतने कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही होती हैं, इतनी अमेजिंग लग रही होती हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नर्वसनेस और डर थोड़ा बढ़ जाता है. लेकिन चूंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करनी आती है, तो मेरी एक्टिंग काम आ जाती है रैम्प पे. बट नो, ऑनेस्टली आई मीन देव बिन वेरी सपोर्टिव एंड इट वॉज फाइन. इट वॉज ग्रेट फन एंड आई थिंक दैट इट्स अ लवली कलेक्शन. इट्स अ वेरी वेयरेबल कलेक्शन. तो एज एन एक्टर एंड एज समवन हु जो उनके कपड़े अक्सर पहनता है, मुझे बहुत मज़ा आया. ओके, अगर स्टाइल की अगर बात करें तो सारा का स्टाइल क्या है, क्या स्टाइल स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करो. आई मीन, आई थिंक कि मेरा किसी का भी स्टाइल उनकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. तो आई एम श्योर मेरा स्टाइल भी मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभी जब मैं बहुत ही आलसी फील कर रही होती हूँ तो वो बहुत ही झल्ला सा स्टाइल होता है. कभी कभी जब मुझे मन करता है थोड़ा ड्रेसअप करने का, तो हाँ वो थोड़ा एक जैसी सा स्टाइल होता है. बट अल्टीमेटली अगर मेरा पर्सनल स्टाइल है तो इट इज़ थोड़ा सा बोहीमियन, थोड़ा सा रिलैक्सड. एंड एज आई सेड, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है आपने जिस चीज़ जो पहना है उसमें, तब आप अच्छे नहीं लग सकते. जी, तो उसके बारे में बताइए किस तरह की. अनारकली, मेरी आने वाली फिल्म अनारकली ऑफ आरा 24 मार्च को रिलीज़ हो रही है. एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी सिंगर की कहानी है. आरा, जैसे आप जानते होंगे, बिहार का एक शहर है. तो बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छा रोल है, और उसमें एक देसी फैशन का सैम्पल मिलेगा आपको. यू गाइस हैव टू वॉच इट. हाँ, मे बी आपको कोई देसी झमका हुआ इंस्पिरेशन मिलेगा. थैंक यू.